नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती हैं। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे के बटन को जोर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 6 घंटे लंबे इंतजार के बाद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी जिसके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, लेकिन केजरीवाल से पहले वो कतार में लग गए। अगली ताजा बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने दी पीएम मोदी और अमित शाह को नागरिकता संशोधन कानून पर बहस करने की चुनौती। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का पलटवार करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संशोधित नागरिकता कानून पर बहस की चुनौती देते हैं। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर नागरिकता संशोधन कानून और NPR के संदर्भ में 9 बार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेरे साथ बहस करें। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, परियोजनाओं की आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रगति की 32वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रगति केंद्र सरकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सक्रिय शासन और परियोजनाओं के विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बारे में एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि पिछली बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से 12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ रैली करेंगे राहुल गांधी। पहली सभा 28 जनवरी को जयपुर में की जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर सरकार कर रही है विचार। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि उत्पादक क्षेत्रों से नई प्याज की आवक शुरू होने के बाद सरकार अब प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का विचार कर रही है। मंडियों में नई प्याज की आवक शुरू होने के साथ ही प्याज के दाम नीचे आने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि नई प्याज की आवक से कीमतों में नरमी आएगी, इसलिए निर्यात प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा की बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक होने जा रही है। अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मीटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्शन में आ गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की है। इस बैठक में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कैंपेन की समीक्षा होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसको विरोध करना है करे, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं होने वाला है। अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लखनऊ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, सोनिया ने पंजाब कांग्रेस कमेटी को किया भंग, जाकर बने रहेंगी अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति को भंग कर दिए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ अपने पद पर बने रहेंगे। पार्टी ने इस संबंध में एक बयान जारी किया। सोनिया गांधी ने यह फैसला राज्य के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह से मुलाकात करने के एक दिन बाद लिया है। दोनों नेताओं की सोमवार को मुलाकात हुई थी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के साइन बाग से प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, 29 जनवरी को बुलाया भारत बंद। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे साइन बाग के लोगों ने 29 जनवरी को भारत बंद बुलाया है। दिल्ली के साइन बाग में 1 महीने से भी ज्यादा समय से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें यहाँ से हटा नहीं सकती। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली चुनाव 2020 को लेकर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, अकाली दल के बाद जेजेपी ने भी किया मना। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अकाली दल ने बीजेपी का साथ नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर छोड़ा है, जबकि जेजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह मिल पाने की वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियां एक एक करके उसका साथ छोड़ रही है। पहले बीजेपी ने 21 साल पुरानी सहयोगी अकाली दल का सुर बदला। जेजेपी ने मंगलवार को चुनाव चिन्ह का हवाला देते हुए घोषणा की है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जेजेपी के मुखिया और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मौसम विभाग से आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर, जबकि कर्नाटक और तटीय तमिलनाडु में छिटपुट जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य
मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 1-2 स्थानों पर वर्षा हुई। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में मैदानी इलाकों में सभी जगह पर मौसम साफ रहेगा। मध्यम से घना कोहरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में देखने को मिल सकता है, लेकिन हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी जिससे ज्यादा समय तक ये कोहरा नहीं टिकेगा। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों में और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधि अगले 24 घंटों तक बनी रह सकती है, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मौसम साफ और शुष्क होगा। हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों पर ठंडी उत्तरी पश्चिम हवाओं का असर शुरू हो जाएगा, जिससे न्यूनतम तापमान गिरेगा और सर्दी बढ़ सकती है।